Hello guys, welcome to Farm Horse Sport. In this video, we're going to discuss about nutraceuticals. So first of all guys, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स होते क्या है. उसके बाद हम उसके पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, न्यूट्रास्यूटिकल कॉन्सेप्ट क्या है. उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी स्कोप या फिर हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस. उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसकी कि कितने टाइप्स के न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं. उसके बाद उसमें हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक मिनरल्स को, जिसमें हमारा कैल्शियम, आयरन, आयोडीन होता है. विटामिन को करेंगे हम एक्सप्लेन. प्रोबायोटिक्स को करेंगे कि होता क्या है वो. और फिर हम लास्ट में कुछ हर्ब्स पढ़ेंगे, जैसे गार्लिक हो गई और अपना एलोवेरा हो गया, जिंजर हो गया. तो ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको ये जानना जरूरी है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, बेसिकली क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. तो जैसा आपने देखा होगा, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसी खान पान की चीजें हो गई हैं जो हमारे शरीर को बेकार कर रहा है. हाई कोलेस्ट्रॉल पैदा कर रहा है, हाई बीपी कर रहा है, और बहुत सारी ब्लड रिलेटेड डिसीजेज प्रोड्यूस कर रहा है. तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? हम क्या कर रहे हैं, दवाई लेके उसको सही कर रहे हैं. वो बात तो ठीक है, पर दवाई भी ना जानो एक डिसीज को सही करने के चक्कर में हम ऐसी पांच छह डिसीज और प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट से. तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमको अच्छे खाने की जरूरत है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन्स, कैल्शियम्स, इन सब की जरूरत है. तो ये एक नई कैटेगरी आजकल बहुत चल रही है जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स. और आने वाले टाइम में जो डाइटिशियन होता है, जो डाइट चार्ट वगैरह होता है, उसके काफी अच्छा स्कोप है. इवन कि डॉक्टर जो है वो लास्ट स्टेज पे क्योर करेगा, उससे पहले हमको एक डाइटिशियन की जरूरत है, एक न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है जो हमको गाइड करे कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना. तो ये भी एक अच्छा स्कोप है फार्मा के बाद जो बच्चे कर सकते हैं. तो यही हम पढ़ेंगे आज ब्रॉडली, न्यूट्रास्यूटिकल्स होता क्या है और एक नया टॉपिक है आपके लिए. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन गाइस, तो डेफिनेशन में है, न्यूट्रास्यूटिकल इज एनी सब्सटेंस कंसीडर एज अ फूड और इट्स पार्ट व्हिच इन एडिशन टू इट्स नॉर्मल न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज और प्रमोशन ऑफ हेल्थ. तो फिर ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंसिडर करा गया है फूड या फिर उसका कोई पार्ट फूड का, जो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा डिसीज को और हेल्थ को अच्छा करेगा, प्रमोट करेगा और हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा. इट इज वेरी नॉन टॉक्सिक फूड. ये ऐसा फूड है कोई जैसे जंक फूड है, जंक फूड आपका टॉक्सिक फूड है, पर ये क्या है, नॉन टॉक्सिक फूड है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है. नॉन टॉक्सिक फूड कंपोनेंट दैट हैज साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग डिसीज ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन. इवन की जो हमारी होम रेमेडीज होती है ना कि हम दूध में हल्दी डाल के पीना चाहिए और ये सब करना चाहिए, तो वो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स का ही पार्ट है. जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा सारा वो है मेथड्स है, वो सारा न्यूट्रास्यूटिकल्स में आता है. तो बहुत अच्छा ये फील्ड है और हम सभी को एज अ ह्यूमन बींग इसके बारे में पता होना चाहिए, हर फील्ड के बंदे को पता होना चाहिए. उसके बाद द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द फूड मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड इन द न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस्ड अंडर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. उसके बाद अगर हम बात करें, नियरली टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड 6.1 बिलियन पीपल रिलाई ऑन द हीलिंग पावर ऑफ प्लांट बेस्ड मटेरियल फॉर मेनी रीजंस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, सेफ्टी और देयर बिलीफ इन ट्रेडिशनल अफोर्डेबिलिटी और बिलीफ इन ट्रेडिशनल क्योर्स. तो ये कह रहा है कि टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन है जो पूरी दुनिया की, जो 6.1 बिलियन है, वो भरोसा करती है, रिलाई मतलब होता है भरोसा, भरोसा करती है हीलिंग पावर ऑफ प्लांट बेस्ड मटेरियल, कि जो हमारा प्लांट है वो हमें हील कर देगा, वो हमें अच्छा कर देगा. सो वो उस पर भरोसा करती है टू थर्ड पॉपुलेशन. उसके बहुत सारे रीजन है. फर्स्ट है अवेलेबिलिटी. आप सबको पता है कि अगर आप अपने किचन में जाओगे तो आपको कम से कम 10-15 ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं. जैसे नॉर्मली हम देखें हल्दी हो गई, तुलसी का प्लांट मिल जाएगा, नीम का प्लांट हमें हर जगह मिल जाएगा. तो उसकी अवेलेबिलिटी हम देखें तो अच्छी खासी है. अफोर्डेबिलिटी है, बहुत सस्ता पड़ता है, चीप है. और सेफ्टी, सेफ भी हमें यूज करना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. और देयर बिलीफ इन ट्रेडिशनल अफोर्डेबिलिटी, और उनका बिलीफ है कि हम जो हमारे पूर्वज करते थे, जो हमारी दादा परदादा करते थे, तो उस पर भी उनको विश्वास है, बिलीफ है. और बिलीफ इन ट्रेडिशनल क्योर्स. उसके बाद मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ फूड हैव बीन एक्सप्लोर्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. मॉडर्न न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री बिगेन टू डेवलप ड्यूरिंग 1980s. तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि जो मॉडर्न न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें काफी ग्रोथ देखने को मिली है हमको. सो 1980s में ये ग्रोथ चालू हुई है बेसिकली. सो बहुत अच्छा स्कोप है इसमें.
उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब है क्या चीज ये, तो जो फार्मास्यूटिकल है, जो मेडिसिन है जो हम लेते हैं, वो क्या है, ड्रग्स यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि ये लास्ट स्टेज पे बिल्कुल ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज में है, पर अगर हमें कोई डिसीज नहीं है, अगर हम नॉर्मल है, तो हम न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स ले सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाए न्यूट्रिएंट्स से और प्लस में फार्मास्यूटिकल से, तो हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स ले कि बॉडी में कमी ना हो पाए उस चीज की। उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ, न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, वो सब न्यूट्रिशन, प्लस में हम फार्मास्यूटिकल रेमेडी फॉर सिकनेस एंड इंजरी, प्लस में हम जो हमारी रेमेडी जो हमारे तरीके हैं उसको हम अपनाएं, तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा ये बन जाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशन प्लस में फार्मास्यूटिकल रेमेडी। तो ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड न्यूट्रास्यूटिकल्स की है क्या चीज। उसके बाद अगर हम बात करें, न्यूट्रास्यूटिकल मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, और क्या होता है इसमें, हर्बल्स, फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स से हम केमिकल्स लेते हैं, वो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, तो हर्ब्स और बोटेनिकल प्रोडक्ट। उसके बाद डाइटरी सप्लीमेंट्स भी इसमें इंक्लूड होता है, जैसे प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम्स। उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्कोप की, या फिर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। पहला है जॉइंट हेल्थ में, जिसमें ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोटिन ये होता है। अब अगर हम बात करें ग्लूकोसामाइन, तो ये फाउंड होता है लिगामेंट्स, कार्टिलेज, टिश्यू, टेंडेंसीज में प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रोटिन होता है आपका प्रोटियोग्लाइकन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज में। और कार्डियोस्कुलर हेल्थ, मतलब अगर हम हार्ट रिलेटेड हेल्थ के बारे में बात करें, तो ये मेलाटोनिन, CoQ10, DHA। DHA आपने देखा होगा बॉर्नविटा के, हॉर्लिक्स के डब्बों पे DHA लिखा होता है कि जो देना चाहिए हमको बच्चों को, तो वो उसका सोर्स क्या है, बहुत अच्छा फिश ऑयल। मेलाटोनिन का है बोन मैरो, सोयाबीन में मिलता है CoQ10। तो ये सारे बहुत असेंशियल हमारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, बहुत न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो बहुत कामयाब है। अगर हम बात करें कैरोटोनोइड्स, कैरेट में मिलता है, रिजर्व वेराट्रोल ग्रेप्स में, रेड वाइन में मिलता है, कैटेचिन टी एक्सट्रैक्ट में मिलता है। तो आप ऐसे चार पांच एग्जांपल्स याद कर सकते हैं जो बेसिकली मेन मेन है, जैसे कैरेट में क्या मिलता है, DHA इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन में क्या मिलता है, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ईजी रहे वो आप याद कर सकते हैं। अगर हम आई की बात करें, आंखों की, तो उसमें है DHA अगेन, पाइकनोगियल, लोटीन, कैरोटेनॉइड्स। कैंसर प्रिवेंशन में भी ये हेल्पफुल है, DHA, रेजवेराट्रोल, लाइकोपीन टी एक्सट्रैक्ट। अब लाइकोपीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइकोपीन टोमेटोज में पाया जाता है, ठीक है। अगर आप कोई एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हाई लेवल हाई स्टडीज के लिए आप जाओगे, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तो ये तो आप याद कर ही लो सारे, अगर आप बात करते हो हायर स्टडीज की। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इसमें नेचुरल सोर्सेज आते हैं, फार्माकोलॉजिकल कंडीशन आती है, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन बेस्ड करें ग्रुप्स में, जैसे इनऑर्गेनिक मिनरल्स में प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स, तो ये सारे ग्रुप्स में हमने बांटे गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। और ये हमने सोर्स पे बांटे गए हैं कि एनिमल से कौन कौन निकलते हैं, शार्क लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, बायफाइटोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई ये अपना मिल्क में होता है, लैक्टोबैसिलस जो ये बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, जिंक, फॉस्फोरस। कैल्शियम आपको पता है कि बोन के लिए असेंशियल है, टीथ के लिए असेंशियल है, मेंटेन करेगा बोन स्ट्रेंथ को, नर्व्स को, मसल्स, ब्लड क्लोटिंग, तो ये सब इसमें हेल्प कर रहा है। आयरन क्यों लेते हैं हम, आयरन लेते हैं मेनली, मेनली जो हम लेते हैं आयरन, वो लेते हैं कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सके हमारे ब्लड में, जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, एनर्जी प्रोडक्शन कर सके। मैग्नीशियम क्यों लेते हैं हम, हेल्दी नर्व के लिए, मसल फंक्शन के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए। फॉस्फोरस हम किस लिए ज़्यादा लेते हैं, एनर्जी तो बनेगी पर इसमें फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होगा। फॉस्फोराइलेशन से आपने हर किसी में देखा होगा, चाहे वो TCA साइकिल हो या क्रैब साइकिल हो, जो भी साइकिल है उसमें फॉस्फोराइलेशन होती है। अब वो फॉस्फोराइलेशन कहाँ से आएगी, इसी फॉस्फोरस कंपाउंड से आएगी। बोन, टीथ के लिए, जेनेटिक मटेरियल के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट विटामिन B12 का कंपोनेंट है। और कॉपर क्या है, कॉपर कोलेजन प्रोडक्शन करता है। कोलेजन प्रोडक्शन कब होती है, जब ब्लड क्लोटिंग होती है, कोई कट लग जाता है। फंक्शन ऑफ हार्ट, एनर्जी प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, इन सब में हेल्पफुल होता है कॉपर। आयोडीन जो नमक में पाया जाता है हमारा, तो ये क्या करता है, प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। तो हमको मेनली एक दिन में 5 ग्राम आयोडीन लेना चाहिए, पर हम श्योर से ज़्यादा ही लेते हैं,
तो इस बारे में कहते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए। अगर हम बिल्कुल नमक नहीं खाएंगे तब भी हम कहीं ना कहीं नमक थोड़ा बहुत हम खा ही लेंगे, चाहे नमकीन में खाएं या किसी भी चीज़ में खाएं। पर अगर हम बिल्कुल भी नमक नहीं खाएंगे, जो कि पॉसिबल बहुत कम है, पर अगर हम बिल्कुल भी नमक नहीं खाएंगे तब भी वो डिसीज कर देगी, और अगर हम ज़्यादा खाएंगे तब भी डिसीज करेगी। तो हमको तो मिनिमल अमाउंट में खाना चाहिए आयोडीन। क्रोमियम इंसुलिन के लिए हेल्प करता है, जिंक और आप ये सारा आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन की, तो दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और होता है एक वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल है वो है विटामिन ए, डी, ई और के, चार विटामिन होते हैं जो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं। जो विटामिन ए है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेन हेल्दी विजन, क्योंकि विटामिन ए मेनली हमारा आई के लिए जाना जाता है, तो विजन, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब के लिए हेल्प होता है। विटामिन डी किस लिए होता है, जो कि सनलाइट में मिलता है हमको, बहुत अच्छा होता है ये, बोन्स और टीथ के लिए होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है, इम्यून सिस्टम फॉर्म करता है। विटामिन के को आपने देखा होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन के ब्लड क्लोटिंग का एक फैक्टर है। उसके बाद वाटर सोल्युबल विटामिन में विटामिन सी और विटामिन बी होते हैं, पर विटामिन बी भी आपको बहुत तरह के होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12। सो विटामिन सी आपने देखा होगा, ये गम्स में, टीथ में, स्किन में, वोन डीलिंग में काफी चीज का काम आते हैं विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट होता है मेनली। उसके बाद विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करता है। विटामिन B2 हेल्दी आई, स्किन, नर्व्स फंक्शन के लिए काम करता है। विटामिन B3 के भी अपने अपने फंक्शन है, ब्रेन को हेल्दी रखना, एनर्जी मेटाबोलाइज। विटामिन B6 भी प्रोड्यूस करता है, एसेंशियल प्रोटीन्स कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स टू एनर्जी। विटामिन B12 प्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ RBC, मेंटेन ऑफ CNS, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हमने देखा होगा फोलिक एसिड्स भी होते हैं, इसकी दवाइयाँ भी आती हैं हम जो प्रेगनेंसी में लेते हैं, क्यों लेते हैं, हेल्दी बेबी हो हमारे। सो फोलिक एसिड हेल्प इन RBC फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, वेरी मच एसेंशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अराउंड अराउंड थर्ड मंथ में हम फोलिक एसिड की ड्रग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 1-2 महीने तो चलती है। उसके बाद पेंटोथेनिक एसिड भी सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोइड्स, फैटी एसिड, इसमें काम आता है। जो हमारा गुड, हमने देखा होगा हाई डेंसिटी लिपिड, एक होता है ना HDL, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको बनने में हेल्प करता है ये पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रो मतलब पहले और बायोटिक्स मतलब, बायो मतलब होता है लाइफ। तो एक हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स, हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं जो हमारे हेल्प करते हैं। जैसे हम दही में कहते हैं कि सुबह खाली पेट दही खानी चाहिए एम्प्टी स्टमक में, क्यों, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो किल करती है, प्लस में डाइजेशन को इम्प्रूव करती है बहुत ज़्यादा। तो कर्ड तो आपको एम्प्टी स्टमक में लेनी चाहिए। तो क्यों लेते हो, क्योंकि इसमें ये होता है आपको लैक्टोबैसिलस होता है, इस मारे हम कर्ड लेते हैं। तो यही इसमें बात कर रहे हैं प्रोबायोटिक्स में, लिव माइक्रोटिन विच वेन एडमिनिस्टर्ड इन एडिक्वेट अमाउंट कॉन्फर अ हेल्थ बेनिफिट ऑन द मोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ प्रोबायोटिक, तो ये डायरिया को ट्रीट करेगा, सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, रेड्यूस ब्लैडर एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मैनेज लैक्टोज इंटॉलरेंस, शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, तो इन सब जगह में काम आता है। उसके बाद हम बात करें अगर हर्ब्स की, तो हर्ब्स में है पहला एलोवेरा। एलोवेरा जो हम हिंदी में कहते हैं इसको ग्वार का पट्टा। सो वो क्या होता है हमारा, जिसके अंदर जल जल सा निकलता है, तो हम काफी लोग उसको स्किन पे लगाते हैं, काफी लोग उसे जूस बना के भी पीते हैं, पतंजलि का भी एलोवेरा आता है। सो एलोवेरा भी काफी जगह यूजफुल है, तो वोन डीलिंग में काम आता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। उसके बाद इवनिंग प्रीमरोज ऑयल भी होता है, जो डाइटरी सप्लीमेंट है, लिनोलिक एसिड का, और गार्लिक जो हमारी लहसुन होती है, तो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी थ्रोम्बोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी थ्रोम्बोटिक होता है कि वो ब्लड क्लोटिंग जो होता है ना, क्लोट फॉर्मेशन होता है खून के अंदर, उसको नहीं बनने देता। उसके बाद जिंजर है, जो अदरक है, वो भी हमारे कफ में काम आती है, आपने बहुत देखा होगा कि हम अदरक की चाय पीते हैं। सो कार्मिनेटिव है, एंटीमेटिक है, एंटीमेटिक मतलब वोमिटिंग नहीं होने देगा ये। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीनेस, डिजीनेस मतलब नींद आना, सुस्तपन, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो है जिनसेंग, जो है अडेप्ट। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पढ़ा वो पढ़ा उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एक नॉन टॉक्सिक फूड है,
उसके बाद हमने पढ़ा फूड एज मेडिसिन कि काफी सारे लोग इस पे रिलाई करते हैं, इसको भरोसा करते हैं इस पे, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, अफोर्डेबिलिटी अच्छी है और सेफ्टी अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्लस में हम जो घरेलू रेमेडी है, होम रेमेडीज है, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो हम बन गए न्यूट्रास्यूटिकल्स। उसके बाद इसमें न्यूट्रिएंट्स है, हर्बल्स, फाइटोकेमिकल्स है और डाइटरी सप्लीमेंट्स है। अगर हम बात करें स्कोप की, तो जॉइंट में हेल्प करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में काम करता है, आई हेल्थ में काम करता है और कैंसर में काम करता है। ये तो चार बेसिकली इसकी मेजर फील्ड है जहाँ पे काम करता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी पहले केमिकल ग्रुप के, उसमें कि ये प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है, डाइट्री है, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइटोकेमिकल है, तो ये सब हमने। उसके बाद हमने पढ़ा उसके सोर्स के ऊपर कि एनिमल से निकला है तो फिर ये होगा शार्क लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल, प्लांट से निकला है तो टोमेटो से निकला है, गार्लिक से, तो हमने उसके अलग अलग भी क्लासिफिकेशन निकली है। इनऑर्गेनिक मिनरल में हमने पढ़ा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, जिंक, फॉस्फोरस। तो कैल्शियम मेनली बोन्स में काम आता है, आयरन ऑक्सीहीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में काम आता है, मैग्नीशियम नर्व्स में काम आता है हेल्दी, फॉस्फोरस एनर्जी फॉर्मेशन में करता है। काफ़ी सारी साइकिल्स हैं, TCA, क्रैब साइकिल, जिनमें फॉस्फोराइलेशन हमारा यूजफुल है। उसके बाद हमने विटामिन पढ़े, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल हमने पढ़ा ए, डी, ई और के, और वाटर सोल्यूबल हमने खाली दो पढ़े, बी और सी। और हमने फोलिक एसिड के बारे में पढ़ा जो प्रेगनेंसी में हम देते हैं, पेंटोथेनिक एसिड के बारे में पढ़ा जो गुड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन को एनहेंस करता है, प्रोबायोटिक्स पढ़ा मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस। फिर हमने उसके बेनिफिट्स पढ़े कि वो डायरिया नहीं होने देता, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं होने देता, ब्लैडर इन्फेक्शन को कम करता है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स पढ़े। फिर हमने लास्ट में पढ़ा इसके हर्ब्स, जो इसमें हमने एलोवेरा का पढ़ा, गार्लिक पढ़ा, जिंजर पढ़ा, जिनसेंग पढ़ा, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। तो ये सारे हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। इवन कि जो हम विटामिन के कैप्सूल्स लेते हैं, प्रोटीन्स के डब्बे लेते हैं, वो सब भी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। और आने वाले टाइम में ये एज अ फूड हम डे टू डे लाइफ में यूज करने लगेंगे, जैसा कि हमने अब अपनी बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल को देखा है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड लर्न समथिंग न्यू। एंड अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो लाइक के बटन को दबाइए, एंड इफ यू आर न्यू हेयर ज्वाइन अस बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू गाइज, वी विल मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस।